देश आजादी के अमृत काल में है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, लेकिन खंडवा से सामने आई इस तस्वीरों ने कुछ और ही हकीकत बयां की है। एक तरफ हम शहरों में मीनारों के पंख लगा रहे हैं और इनमें उड़ता हुआ अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य को पढ़ने के लिए स्कूल भी नसीब नहीं हो पा रहा है। बरसात में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है तो प्रसूता को घाट पर लेकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। कहीं शवों का घर के बाहर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है और टपकते जर्जर छतों के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर है। ऐसा ही एक मामला खंडवा से भी सामने आया है, जहां बच्चों की शिक्षा पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। खंडवा जिले के ग्राम बोरखेड़ा कला के शासकीय प्राथमिक शाला की हालत बेहद खराब हो चुकी है। स्कूल की जर्जर हालत के कारण बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। बारिश के समय इनकी पढ़ाई पर संकट के बादल छा जाते हैं। यही हाल यहां के आंगनबाड़ी का भी है, जहां के कमरों की हालत बेहद खराब है। कहीं छत से पानी टपक रहा है, कहीं छत उखड़ी हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि इस स्कूल में 108 बच्चे हैं, जो बरसात के दिनों में स्कूल के बाहर बने बरामदे में पढ़ने को मजबूर है, जिसके बाद परेशान छात्रों के परिजनों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि मामले की सुनवाई कब होती है और इस पर सुधार कब तक किया जाता है। यहाँ ये हमारे यहाँ की स्कूल की समस्या बहुत डाउन चल रही है और शासन ने अभी तक इसके पहले भी 3-4 कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं करी। बोरखेड़ा चिचखेड़ा पंचायत है, बोरखेड़ा कला में ये समस्या है। आज वहाँ ऐसी स्थिति है कि बच्चे को बाहर बिठाना पड़ रहा है, अगर अंदर बैठे ना कोई क्षतिग्रस्त हो, नफा नुकसान हो, शासन खाली मुआवजा दे के दूर हो जाएगी, बाकी किसी की हालत को नहीं सुधार पाएगी। इसलिए नहीं तो चाहे तो वो स्कूल बंद भी हो सकती है, ऐसी हालत है उसकी। इसलिए आप उसके वो सही चाहते है बनावट या वो कुछ भी शासन करे, उसका शासन करेगी सुधार करवाने की कि नहीं बनेगी वो तो नहीं बनने की वो है, सुधार का तो कोई कालम ही नहीं है, मास्टर लोग भी समय से ध्यान नहीं देते। बताते चले कि खंडवा में ये पहला मामला नहीं है जब बच्चों को स्कूल के लिए इतना परेशान होना पड़े। ऐसे कई मामले लगातार सामने आते रहे हैं। कुछ ही दिन पहले गणेशगंज में स्थित प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। स्कूल भवन 98 साल पुराना है, 2 साल बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे। हालात है कि कवेलू की छत टूट गई है, प्लास्टर उखड़ चुका है, फर्श भीगा रहता है। सुरक्षा के लिहाज से 2 कमरे बंद कर दिए गए हैं। अब पहली से पांचवी 136 बच्चों के लिए सिर्फ 1 कमरा बचा है। ऐसे में बारिश आ जाए तो बच्चों को घर भेज दिया जाता है।